गुड मॉर्निंग थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों, आज हम नई कविता सीखेंगे। उसका नाम है बरखा रानी। पान नंबर 49 निकालिए, 49। पान नंबर 49 निकालिए। देखो बच्चों, आज हम नई कविता सीखेंगे। उसका नाम है बरखा रानी। पहले मैं आपको ये कविता पढ़कर सुनाती हूँ, ठीक है। बरखा रानी सबको लगती बड़ी सुहानी, गड़बड़ गड़बड़ गड़गड़ गड़गड़ बादल गरजे, चम 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 बिजली चमके, सरसर सरसर पानी बरसे, तड़ 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 ओले टपके, मोर नाचते कोयल गाती, छम छम करके बूंदे आती, गली सड़क नगर नहर बन जाती, छपक छपक आंगन का पानी, पूर्ण हो भीगा चुन्नू, भूल गया एक असली बात, भीग भीग बीमार पड़ा तो खाएगा मम्मी की डांट। बरखा रानी फिर भी लगती बड़ी सुहानी। बच्चों, अभी मैंने कविता पढ़कर सुनाई है। बच्चों, ये चित्र देख रहे हो, इसी कविता का चित्र है। तो आपको क्या दिखाई रही है? काले काले बादल है और बिजली चमक रही है और यहाँ बारिश की बूंदें गिर रही है नीचे, और यहाँ कोयल है, यहाँ मोर है, ये लड़का बारिश के पानी में भीग रहा है, देख रहे हो? ओके, तो बच्चों मैं आपको क्या करती हूँ, ये कविता आपको समझाती हूँ। बरखा रानी सबको लगती बड़ी सुहानी। बरखा यानि क्या? बारिश। बारिश को क्या कह रहे हैं कि तू कौन है? बरखा रानी, यानी बरखा रानी है। और जब बारिश आती है तो सबको बहुत अच्छा लगता है, और बारिश जब आती है तो ये मौसम ही बड़ा सुहाना लगता है, और जब बारिश आती है तो ये बादल जो होते हैं, काले काले बादल, ये काले क्यों होते हैं बच्चों? क्योंकि इसमें बारिश की बूंदे है, और जब ये बादल आवाज़ करते हैं ना, कैसे आवाज़ करते हैं? गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ करते हैं। जब ये बादल एक दूसरे को टकराते हैं तो ये बिजली क्या करती है? चमकती है। ये बिजली चमकती है, और बिजली जब चमकती है तो ये बादल एक दूसरे को क्या करते हैं? जोर जोर से एक दूसरे को धक्का देते हैं, धड़कते हैं, और इसमें से बारिश की बूंदें नीचे आती है। और ये बारिश की बूंदें कैसे आती है? सरसर करके पानी नीचे आता है, और तड़तड़ तड़तड़ जब ही हमारे घर के छत पर ना ये बारिश की बूंदें आती है तो कैसे आवाज़ आता है? तड़तड़ तड़तड़ आवाज़ आता है, और तड़तड़ तड़तड़ ओले टपके। टपके यानी क्या? ये बारिश की बूंदें यहाँ छत पर आवाज़ करती है। कैसे आवाज़ करती है? तड़तड़ तड़तड़ आवाज़ करती है। और जब बारिश आती है तो मोर क्या करता है? मोर नाचता है। ये उसके पंख है ना, ये पंख फैलाकर मोर नाचता है, क्योंकि मोर को बारिश बहुत पसंद है, और वो बहुत खुश होता है जब बारिश की बूंदें नीचे ज़मीन पर गिरती है। तो मोर नाचता है, और ये अपने पंख है ना, ये पंख फैलाकर वो नाचता है। और यहाँ कोयल है ना, कोयल भी बारिश आती है तो कोयल मधुर गीत गाती है, उसकी आवाज़ से मधुर गाती है। छम छम करके बूंदें आती, ये जो बारिश की बूंदें कैसे करती है? छम छम करती है। कैसे करती है? छम छम करके ये बूंदें आती है, गली सड़क नहर बन जाती है। ये जो गली का रास्ता है ना, वो कैसा बन जाता है? नहर बन जाता है, जैसे कि समुंदर जैसा बन जाता है। छपक छपक आंगन का पानी, ये सारे घर के आंगन में पानी फैला होता है, और वो जब हम उसमें से जाते हैं ना, बारिश के पानी में से जाते हैं तो आवाज़ कैसा आता है? छपक छपक कर आवाज़ आता है। पूर्ण हो भीगा चुन्नू, ये जो लड़के हैं ना, बारिश के पानी में
पूरे भीग जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि जब ये पूरे बारिश में भीगते हैं तो मम्मी क्या करती है, मम्मी की डांट खानी पड़ती है, मम्मी की डांट खानी पड़ती है और मार भी खाना पड़ता है, क्योंकि बारिश के पानी से भीगने से क्या होती है, सर्दी होती है। इसलिए माँ क्या करती है, माँ डांटती है। और ये जो चुन्नू है ना, वो असली बात भूल गया क्योंकि उसे मम्मी की डांट खानी पड़ती है। बरखा रानी फिर भी लगती बड़ी सुहानी, मम्मी की डांट तो खानी पड़ती है, मार भी खाना पड़ता है और हमें बारिश में भीगने का भी बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए हमें बारिश बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों ये कविता? ये चित्र देखो और आपको ये चित्र देखकर ये कविता आपको समझ में आना चाहिए। बच्चों और एक बार मैं आपको एक कविता पढ़कर सुनाती हूँ और इसके बाद मैं आपको प्रश्न और उत्तर देती हूँ। बरखा रानी सबको लगती बड़ी सुहानी, गड़गड़ गड़गड़ बादल गरजे, चम 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 बिजली चमके, सरसर सरसर पानी बरसे, तड़ 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 ओले टपके, मोर नाचते कोयल गाती, छम छम करके बूंदे आती, गली सड़क नहर बन जाती, छपक छपक आंगन का पानी, पूर्ण हो भीगा चुन्नू, भूल गया एक असली बात, भीग भीग कर बीमार पड़ा तो खाएगा मम्मी की डांट। बरखा रानी फिर भी लगती बड़ी सुहानी। ओके बच्चों, समझ में आ गया आपको? तो इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न और उत्तर। इसके पहले हम देखेंगे बच्चों पेज नंबर 50 पर, इसे याद करना है, रिमेम्बर दिस, इसे याद कीजिए। हिंदी महीनों के नाम 12 साल में 12 महीने होते हैं, पता है आपको बच्चों? साल में 12 महीने तो होते ही है, लेकिन इसे हिंदी में इनके नाम है, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन। जैसे बच्चों अंग्रेजी महीने बच्चों जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये क्या है, अंग्रेजी महीने है। वैसे ही हिंदी महीने ये है, साल में 12 महीने होते, जैसे कि जनवरी का जैत, फरवरी का बैसाख, मार्च का जेठ, अप्रैल का आषाढ़, मई का सावन, जुलाई का भादो, अगस्त का ग्वार, सितंबर का कार्तिक, अक्टूबर का अगहन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, ग्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फाल्गुन। ऋतुओं के नाम, ऋतु जैसे बच्चों आपको पता है ना, विंटर, समर और रेन सीजन, ये क्या है, इंग्लिश में नाम है ऋतु के नाम। जैसे ये हिंदी में ऋतु के नाम कैसे है, देखो, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। वर्षा ऋतु सावन भादो में आती है, वर्षा ऋतु सावन भादो में आती है, ये आपको बच्चों आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न और उत्तर। यहाँ देखो बच्चों, निम्नलिखित पंक्तियों को पूर्ण, जैसे हमने अभी कविता हमने देखी ना, उसके कुछ यहाँ शब्द दिए, ये हमें क्या करना है, ये पूर्ण करने हैं, पंक्तियों को पूर्ण करना है। जैसे कि पहला, सरसर सरसर,
आगे क्या लिखना है, पानी बरसे तड़तड़ तड़तड़ ओले टपके। यहाँ ये हमारी पंक्तियाँ पूरी हो गई। सरसर सरसर पानी बरसे तड़तड़ तड़तड़ ओले टपके। दो नंबर, गली सड़क नहर बन जाती छपक छपक आंगन का पानी। यहाँ हमने ये कविता पूर्ण की है, गली सड़क। यहाँ क्या लिखना है, कविता पूर्ण कैसी करनी है, नहर बन जा गली सड़क नहर बन जाती छपक छपक आंगन का पानी। ओके, उसके बाद प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, बादल कैसी आवाज़ करते हैं, बादल कैसी आवाज़ करते हैं, गड़गड़ गड़गड़। बादल बादल गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ करते हैं। मोर क्या करता है, मोर नाचते हैं। बारिश में गाना कौन गाता है, बारिश में कोयल गाना गाती है। चुन्नू क्या भूल गया, चुन्नू एक असली बात भूल गया, चुन्नू एक असली बात भूल गया। प्रश्न तीसरा, कविता में आए क्रिया शब्दों को चुनकर बताइए। क्रिया किसे कहते हैं बच्चों, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हमारे कविता में ये शब्द क्रिया के आए हैं, नाचते गाती बरसे चमके गरजे टपके आती आदि। तो ये हमारे क्रिया शब्द हमने यहाँ लिख लिए हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। तो आज हमने नई कविता सीखी, उसका नाम है बरखा रानी। नाम क्या है, बरखा रानी। ओके, और एक बार मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। बरखा रानी सबको लगती बड़ी सुहानी, गड़गड़ गड़गड़ बादल चम गरजे चम 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 बिजली चमके, सर 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 पानी बरसे तड़ 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 ओले टपके, मोर नाचते कोयल गाती चम चम करके बूंदे आती, गली सड़क नहर बन जाती छपक छपक आंगन का पानी, पूर्ण हो भीगा चुन्नू भूल गया एक असली बात, भीग भीग बीमार पड़ा तो खाएगा मम्मी की डांट, बरखा रानी फिर भी लगती बड़ी सुहानी। तो बच्चों ये कविता हमारी यहाँ ख़त्म हुई है। आपको घर में दो बार ये कविता पढ़नी है और इसके प्रश्न और उत्तर भी आपको अपने नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों, समझ में आ गया। ठीक है, तो आज का पाठ हम यहाँ कविता हमारी पूर्ण करते हैं, ये क्लास हमारा पूर्ण करते हैं। थैंक यू।